आज जाएंगे डॉक्टर के पास, पूरा खानदान ही सर जीत पड़ा। पापा का टेस्ट चल रहा है ना, बहुत सुंदर है। अंडी है मेरी दादी, एक तो सकरू दिल रहा है, बाकी सब टाइट। मका इस तरीके का टेस्ट था, अगर पेन ना होता पर वो मन में चैन हो। 300 रुपए किलो, मुन्ने ना पता था। किसे की ना मान रहे वो जाट हो है जहर, जो जाट की ना मान रहे वा हो है जाटनी। वेलकम टू माई व्लॉग, और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग चैनल पे। तो गाइज कल आधे दिन तक का व्लॉग बनाया था, जब मैंने बोला था कि मम्मी नहीं आई है, तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं कि फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। आप ये सोचते हो बहुत पुराना व्लॉग दिखा रही है, तो मैं जैसे आज आपने व्लॉग देखा तो उससे एक दिन पहले का वो व्लॉग होता है, यानी कि आप ये जो व्लॉग देख रहे होगे तो ये एक दिन पहले का है। तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया कि फिर पुराना पुराना लगता है। और अभी मिलवाते हैं मम्मी से, आज मम्मी की छुट्टी करवा दी है क्योंकि अभी हम जाएंगे पापा को लेके डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे और उनमें से एक टेस्ट ऐसा था कि एक स्पेशल डॉक्टर आते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, और हर लैब में भी वो टेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो ली है। अब हम इसलिए आज जाएंगे डॉक्टर के पास, अभी हम खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। और ये देखो भाई, दादी ब्लॉग देखने लग रही है अकेली बैठी बैठी। गया आपका बटे वो अकेला गोवा? गया ना। हाँ कोई बात नहीं। हाँ देखेंगे उसके व्लॉग में देखेंगे, अकुने याद आओगी अकना आओगी। दया भी क्यों कर बैठ कर व्लॉग देखने लग रही है? ओ छोटे मैं ना मम्मी वहां पे कितना ही ट्राई कर लू, कितने सेम मसाले ले आऊँ, कितना ही सेम तरीके से बनाने की कोशिश कर लूँ, पर यहाँ जैसा खाना बनता ही नहीं है। पता नहीं क्यों क्यों रीज़न क्या है? पानी की वजह तो है, यो भी एक रीज़न है उसका है, क्योंकि भाई मेरा और मम्मी का टेस्ट है ना सेम है, पर वहाँ वो टेस्ट का क्यों नहीं बनता, मैं परेशान होगी सोच सोच के। तो शायद यो ये रीज़न है, पानी की वजह तो है, पानी चेंज है वहाँ का, तो इसलिए खाने का टेस्ट भी चेंज होता है। भाई सब रेडी हो रहे हैं, मुझे भी रेडी होना है और मेकअप करूँ, उससे पहले मैंने सोचा आज मैं अपना स्किन टेस्ट करती हूँ। अब आप ये पूछोगे कि कौन सा स्किन टेस्ट, तो आप सबको पता है कि मेरी स्किन एनालाइज टेस्ट होते हैं 15-20 दिन में, और आज मैं लाइव आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ, आप हमेशा पूछते हो अदरवाइज। ये देखो ये थी क्योर स्किन ऐप, और जब मैंने क्योर स्किन ऐप को खोला आप देख सकते हो तो इसमें आ रखा है योर चेकअप इज ड्यू, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर योर फोटो। मतलब ये इकलौती ऐसी ऐप है जहाँ पे डॉक्टर्स टेंशन लेते हैं कि आपकी स्किन मतलब कितनी अच्छी हो गई है, प्रोडक्ट्स कितना वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं लेती हूँ आपके सामने लाइव स्किन टेस्ट, तो अभी डॉक्टर्स मेरे से कुछ कुछ पूछेंगे, उनके मेरे को आंसर देने हैं, और अब लेते हैं स्किन टेस्ट। तो उसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा फोटो, तो मैं लेती हूँ फ्रंट फोटो। देखो लाइट में होना चाहिए ताकि उनको फेस प्रॉपरली दिखे। ये देखो आपके सामने टेस्ट किया और इन्होंने सिर्फ एक मार्क दिखाया, तो अब आप देख सकते हो पहले और अब में कितना फर्क आ गया है, पहले कितने सारे मार्क्स डिटेक्ट होते थे। तो गाइज इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि और स्किन ऐप को यूज करो, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ब्रांड्स है, बस आप मानोगे नहीं, आपको ये नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, लेकिन बाकी ब्रांड्स का काम क्या है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स रख दो, जिसको जो लेना है वो ले लेगा। लेकिन क्योर स्किन पे ऐसा है कि आपको एक पर्सनल डॉक्टर दिया जाता है, वो डॉक्टर आपको एक स्किन केयर रूटीन देगा आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जो आप उनके साथ शेयर करोगे उसके बेसिस पे कस्टमाइज्ड किट देंगे जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी किट सबको दे रहे हैं, सबकी अलग अलग किट होगी उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी मेन बात है, जब भी ये टेस्ट होते हैं इनका कोई चार्ज नहीं होता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो किट है वो है 1499 की। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो है कनिका 300, तो आपको 300 रुपये का भी ऑफ मिल जाएगा। यही नहीं, इन टेस्ट के साथ साथ और इन किट के साथ साथ आपको मिलेगी डाइट प्लान, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वेट
किस बात का कर रहे हो, मैं इतना जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ और पिछले एक साल से क्योर स्किन यूज कर रही हूँ। और एक और बहुत बड़ा मिथ है लोगों को, उनको ये लगता है कि किट आ गई, लगा लिया, दो दिन में सोचते हैं कि मतलब स्किन हमारी बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्योर स्किन यूज़ किया था, मुझे 3 हफ्तों में असर दिखा था, और पिछले एक साल से मैं क्योर स्किन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि सच में फ़र्क पड़ता है। एक्ने मेरा बहुत ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। आपको ये लगता है ना डॉक्टर्स बात नहीं करते, लोग उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, देखो। तो अभी तो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो जो ऐप का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो अब मैं भी जा रही हूँ प्रॉपर रेडी होने। बाय बाय। देख 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 देख, तू क्या मैंने टालो? हाँ नहीं, दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, दादी टालेगी, दादी टालो ना यार, मजाक करो, मेरे कड़ में दर्द है। अच्छा ठीक है, छो मा गया भाई गुल्लू। दादी रुक गया, पूरा खांदा नहीं सर जीतड़ा। कोई ना भाई, चलते हैं। पापा फूल चेक करने लग रहे हैं, गुलाब के फूल इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। हैं? हाँ बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। ये देखो रोज कितना बड़ा। हाँ ये रहे गेंदे के। ओह कई तरीके के हैं। एक यो देखो कितने सारे फूल है ना। आ जाओ, लिया गाड़ी पीछे, ये खुद नहीं लेकर आ रहा। फिर अकेली जा मम्मी शॉप पे, मनीष कहला इस मारी। भाई हम पहुंच गए हैं सरल डायग्नोस्टिक, देखते हैं ऊपर। तो भाई अभी इन्होंने हमें गाइड किया कि थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो एक टेस्ट होगा थर्ड फ्लोर पे और दूसरा होएगा नीचे। तो पहले थर्ड फ्लोर वाला टेस्ट करवाना है। उस टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी कि वो क्या टेस्ट है, और रिपोर्ट्स तो आएंगी जब वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। अपॉइंटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, वैसे भी आज खाली ही है, इसी टाइम पर अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो पहला टेस्ट ऐसा है, लेज़र टेस्ट है। हमारे आइज़ के थ्रू एक लेज़र जाएगी हमारे ब्रेन तक। अगर वो हमारे ब्रेन तक पहुँच गई तो कुछ चांसेस हैं कि हमारी आइज़ ठीक हो जाए। अगर वो लेज़र ब्रेन तक नहीं पहुँचती है तो बहुत कम चांसेस हैं। तो अब हम प्रे कर रहे हैं कि भाई ब्रेन तक वो लेज़र पहुंच जाए। तो अभी बस डॉक्टर्स बुलाएंगे, फिर पापा जाएंगे टेस्ट के लिए। हो गई थी गाड़ी पार्क, जगह ना मिली। अच्छा, और पापा का टेस्ट चल रहा है, हो गया है टेस्ट। और वैसे तो वो कह रहे थे डॉक्टर्स ही देख के बताएंगे, बट इन्होंने हल्का बताया कि विजन नहीं है। बाकी देखो क्या बोलेंगे डॉक्टर्स। तो मैं उनके पापा ने बोले पहले अंग्रेजी फिल्मा में देखे, अगर तक लिफ्ट ऊपर नीचे जाए। एक डॉक्टर खड़ी थी साइड में, वो बोली कि हमारी जिंदगी कौन सी फिल्म तक कम है जो सबकी फिल्म में चल रही है। किसी की रोमांटिक, किसी की ट्रेजिक, किसी की हॉरर, हर टाइप की फिल्म है सबकी लाइफ। चलो करते हैं कल, अब तो रिपोर्ट्स का तो कल ही पता चलेगा। अब एक और बात शेयर करती हूँ, हमारे घर आ जा रहे हैं स्पेशल गेस्ट, वो अभी 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो फिर उनसे मिलवाते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेंगे अभी रास्ते से, कुछ एक दो आइटम लेंगे खाने का। तो करते हैं शॉपिंग और फिर मिलवाते हैं उनसे। पहले ये हाथी देखे, इसकी बैग देख रहे हैं। अच्छा हमने ये पहले हाथी देखे, ये शुभ होते हैं रखने घर में। फोटो नहीं दिखानी, अपने व्यूअर्स को दिखाना है। फिर हमें राम जी दिखे और अब हम यही ले रहे हैं। राम जी होने चाहिए ना घर पे, बहुत ही प्यारा गिफ्ट आइटम है ना। गिफ्ट क्या, भगवान जी हैं तो। चलो यही दे दो, राम जी दे दो, है ना, बहुत सुंदर है। एक मैंने घर के लिए भी ले लिया, मेरे को बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। हमारा मंदिर छोटा है ना, तो सही। लो भाई राम जी इतने सुंदर डिब्बे में फ्लावर के साथ पैक हो गए। कर लो भाई, मार्केट में हूँ फिर भी कुछ नहीं ले रही। ऐसा होता है ना, क्या है कि कमी यार, वह चीज ले लूं जो ही नहीं चला रखे इतनी देर। ओहो अभी अभी हितेश का फोन आया है भाई,
और उन्होंने कहा कि आज नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल गाड़ी में हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई है कि कति लिकट गए थे हम आनताई, बट कोई एक्सपायर हो गया है तो अभी एकदम से उनको वहाँ पे जाना पड़ रहा है। पहुँच गए हैं हम घर और दादी ने भाई बाहर से ताला लगवा रखा था, अब दोपहर का टाइम है, कोई आ जावे चाहे कोई घर का भी आ जावे मैं नहीं खोलूंगी गेट, एंड है मेरी दादी है ना। चलो भाई कुकू उछलती पाओगी जो करीब सोफी उछलन लग रही है। कुकू कुकू ओए होए छोटे क्या कर रहा था रे तू दादी के साथ? हैं वो एक ना था खड़का सोती इनका क्यों बज रहा है यार? हां इन्हें पता लग गया वो सुनत कथी ला यार या अभी भाई आके सो गए थे और अब उठ के चाय वाय पियेंगे तब नहीं देखो लगी बस अब तो सो गए ना इमन रात में कुत्ती भी नींद नहीं आवे फिर वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख कर सोनी पड़ेगी। अच्छा आज कमेंट कर करके मेरे को ये बताओ कि कौन किसने कौन कौन सी सीरीज देखनी शुरू कर रखी है नेटफ्लिक्स पे, देखूंगी अगर किसी की मेरे साथ मैच हुई, और अगर किसी की मेरे साथ मैच हुई तो मैं उसको मतलब उसके बारे में नेक्स्ट कमेंट मतलब नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है भाई पुराना टाइम याद आ गया जब दादी जाया करती ऋषि के क्या कट्टे में सामान भर के लेकर आया करती। सही बता अरे मैं दादी इकट्ठे जाया करते अरे लेके शॉपिंग करके और फिर वो कट्टा की औरतें दे दिया करते वो भी आया करते घर पर लेके या रिक्शा में धर के रिक्शा में आए भी। अच्छा सही है सब कुछ है तला रहे हो पहला लिस्ट बनाया करते बैठ के सारे घर में अके के चीज चाहिए दादी मुँह ली आई ना पहले तो लिस्ट बनाया करते हैं। अच्छा लो भाई मनीष मेरा अडेप्टर ले आया अडेप्टर एक रही ना क्योंकि भाई मेरा और रोहित का फूक गया था तो तब भी मैंने मनीष का लिया था इसके पास एक एक्स्ट्रा रखा था और अब एक ऑर्डर कर ही लिया मतलब ऑर्डर के कहूँ ये ले आया। कुकू मेरी बेटी कितनी सुंदर है तू किसकी बेटी है तू भाई एक टेस्ट पापा का दिन में हो गया था और दूसरा टेस्ट अभी होगा अभी रात के हो रखे हैं 10:30 बजे और पहले अपॉइंटमेंट मिल रही थी 4:00 बजे की 4:30, 5:00 इतने बजे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी फिर हमने यही डन कर दी और वहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो एक टेस्ट की तो हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी और पहले ये सोचा कि दोनों टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे ये नहीं पता था कि दोनों टेस्ट की अलग अलग अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा से वहीं तो हम दोबारा पहुँच गए हैं सरन और अब की बार टेस्ट होगा MRI टेस्ट। देखो कितनी सारी वो एम्बुलेंस खड़ी है ना आ जाओ सुबह कितनी भीड़ थी कितनी छीड़ है इससे हमारी ये अपॉइंटमेंट है तो उनने खुद टाइम दिया है जब मनीष ने सब तो पहले साइन कराया जो कर प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करते हो बस सन नाम भी लिखना है डंगतर नंबर भी लिखना है और डॉक्टर ने बोला तेरा पापा का दांत निकले नहीं स्टैंडर्ड वाला है नहीं हां डला है रोड राड है कुछ पाया है करना कुछ ना एक तो स्क्रू दिया बाकी सब टाइट ऐसा नहीं जाए जाए कौन है या मिस्टर बोला क्या स्क्रू मेरा कुछ कुछ
मम्मी भी कुछ बोल रहे हैं। ये क्या पापा सुना के कहो पा एमआरआई की इच्छा होती मेरे होनी चाहिए हो गया अच्छा हां पूरी चक्रन लग रहे हैं बात के कारण की भी पूरी चक्रन लग रहे हैं मेरे से सुने हैं और मिलते थे साइन ही ना हो क्योंकि हाथ मुड़ता कोनी भाई जिसने नहीं बता बता दियो हाथ में पीछे मुड़ता कोनी कुछ हो रहा है हाथ में पता कुत्ते भाई एक रील आ रही थी या बेबी की आ गए तो मम्मी ने बोली कि जब तू प्रेग्नेंट होना तो इतनी सुथरी सुथरी रील देखनी है बच्चे देखने क्यूट क्यूट मनीष ने बोला कुकू ना मत देख ना कुकू जी से बालक हो गए तेरे कोई ना कुकू ने तुम रख लियो इधर गल गल मारा हो गया तो ब्याह होगा आए ब्याह तो कर ले पहले तू मेरे ब्याह तो मेरे ब्याह तो पहले तो मुंह भी ना करो बाट में तू बैठी नू में बैठी नू बैठी है चलो गाइस ना आंसर तो मिल गया ना पूछ पूछ के बेटी कान खा जाए मैंने इसके ब्याह तो एक डट रही है गाइस नहीं नू नहीं मेरा किस टाइम का दुख है एक जड्डे पे सी सी जड्डे है ना नजदीक हो जा तेल महंगा तो हमारा नंबर आ गया है बस 5-6 मिनट का वेटिंग टाइम था और पापा के साथ जा रही हूँ मैं क्योंकि मेरा MRI हो रखा पहले तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो सब कुछ मेरे को फ़ोन वगैरह जितनी मेरे पास चीज़ें हैं मेटल की या कैश कैश तो वैसे दिक्कत ना होती बट फिर भी उन्होंने कही अपना सब कुछ जेब खाली कर दो तो सारा जेब खाली कर लिया हमने कैश ले लिया पापा तो सारा अरे पापा गली जाकर दिमाग फ्राई करा मेरा बिठा के खट 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 चक्की की आवाज़ ठोकने की आवाज़ हथौड़े की आवाज़ बहुत गंदी आवाज़ थी पापा लिटा रखे थे मैं बिठा रखी थी वो तो हेडफोन्स थे मेरी तब थोड़ी आवाज़ हल्की परसेंट थोड़ी कम लगी ना वही सा हो रहा कभी वो ख़त्म होगा टेस्ट तम तारा तो मेरे मन बेचैन हो जाता कभी तम जाता टेस्ट भारत है या वहाँ जान लग रही है कितनी तेज अच्छा वो कान की आवाज़ रोकने के लिए था ये आवाज सुने तो मैं तो भी पता रखा था उनका मेरे से भी पता था मका इस तरीके का टेस्ट था अगर पेन ना होता पर वो मन में चैन नहीं होता कुछ भी महसूस नहीं होता शरीर में अरे डिप्रेशन डिप्रेसिंग था टेस्ट खट 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 बहुत गंदा देख हम कितनी दूर बैठे हैं जब भी इतनी तेज़ आवाज़ आया इब कहते बंद कर दी कोई नहीं दोबारा आऊँगी जब सुनाऊँगी देख हर तरीके की हर टाइप की आवाज थी चलो भाई रिपोर्ट्स कल आएंगे चलो खड़े हो टाइम हो गया 11:30 हो रहे हैं जब अच्छा कल दिन में 2 बजे रिपोर्ट्स आ जाएंगी सारी और डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पापा को लेके आने की ज़रूरत नहीं है मैं बस रिपोर्ट देख लूँगा और बता दूँगा तो कल मनीष यहाँ से रिपोर्ट पिकअप करके सीधा डॉक्टर के पास चले जाएंगे यहीं पास में है ना तो वो भी तो अच्छा पीरागड्डी चलो ठीक है अब घर के लिए निकल रहे हैं भाई चाड़ा नहीं पाट रहा मम्मी है 300 रुपए किलो मुन्ने ना पता था चाला पाट गया पर हम ले रहे हैं 200 रुपए वाली गाइस 300 वाली वो है कती लाल लाल चमक इतनी महंगी बिना खा सकते लाल बिना चमक सकते टोटा हो जाएगा 30-40 रुपए का एक खरापा की था और कुछ भी लेना है तुमने मन ने कुछ ना लेना एक एक वो अंगूरा की न्यूज जब तक आई है मेरा तो अंगूरा तो अभी जी हट गया है ना वो सेक बनवाते हो आम ले लो कल बना दी निकल के से हां सही कह भैया आम क्या भाव है आम क्या भाव है सेक वाले 60 रुपए किलो है कम कितने में दोगे केवल आम
मीठे वाले आम है 160, 1 किलो ले ले। 1 किलो ले ले तो मीठे ले ना। 1 किलो आम दे दो, पक्का मीठे है ना, खट्टे नहीं है ना। ठीक है दे दो, लाओ कैश निकालो भाई। मम्मी ऑनलाइन सिगरेट पॉकेट तक क्यों निकाल लो? ना एक ही दे दो, इतने आम खाने हैं। देंगे अब कर ले, 2 किलो ले लेंगे। 150 ला लो आप और बस। 10 रुपये में काम आ गया, 2 किलो में 2 आम तो 180-200 रुपए किलो दे रहे। 150 आपके कहने से लगा दिए बस। 2 किलो कर रहा, 300 रुपए दे दो, दे दो, दे दो। 300 रुपए कर दो, 2 किलो ठीक है। लेडीज की आदत जाओगी नहीं है ना, कम करवाएंगी। वो कितने खर्च करोड़ कर दे, जब फ्रूटा की वेजिटेबल की बारी आओगी ना, आदमी ना करता है ना, जब तक 20-30 रुपए कम ना करवा ले, इतने शांति नहीं पड़ती है ना। आदमी करवाओगे तो एक बार बोलेगा ना, छोड़ देना कोई ना दे। कल शेक बन जाएगा, इस सीजन का पहला शेक मैंगो। कल चाय ना दूं घर पे। ठीक है, कुछ हो रहा है ना। सारे एक साइड करने लग रहे हैं गाड़ी में, के पाओगा मेरा ना, पेट टूट रहा है ना। कुछ तो गड़बड़ है, इब हम गए थे जाते वक्त तो कुछ ना हो रहा था। के हो रहा भाई, मेरा तो गला भी बैठ गया। के है कुछ भी ना अड़त है, है नहीं, पेड़ का था, पेड़ ही था जो था। नहीं, बाइक का। ओ अच्छा, बाइक वाला गिर गया। चलो सब सेफ है, मेरा और पापा का आलस देखो, गाड़ी में तो नहीं उतरे, सीधा यही उतरेंगे। चलो भाई आइए, दे वही लेट जा, सरेंडर कर दी है। देख दे, आ जा अंदर आ जा, चल 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 चल। इतनी देर मतलब हो गई, तो भाई मचा रखी है। बता दादी, दो दोया ने ओट रही है, एक ता इधर रही है लठ और एक ता इधर रही है बिस्कुट। फर्क देख लो भाई। ओए देख कितनी तो भाई मचा दी। हाँ ओए लाडी नहीं करे। बस नचन में कित गए थे, इसे गणी दूर पीना गया मैं 2 घंटे भालिए। हाँ। ए हीरोइन बच्चे। तो भाई हितेश और उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर का लाएंगे और वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, चेंज वेंज कर लूँ थक गए। और मंडे को टेस्ट, यानी कि कल संडे है और मंडे को टेस्ट होएगा मम्मी का फुल बॉडी टेस्ट, जैसे हमारे हुए थे मेरे और रोहित के, कित गई राइट। तो फिर मंडे को वहाँ जाना, टेस्ट करवा के हम सीधा जाएंगे शॉप पे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी मार ली। तो ठीक है गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।